أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنكبوت بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين महतरम हजरात व ख़वा ख़ुदबाई मसौना के बाद मैंने आपके सामने सुरतुलूत की इब्तदाई तीन आयतें पढ़ी है अल्लाह तबरक तबारा ने इन आयतों में इरशाद फरमाया अलिफ़ लाम मीम, अफिलासब क्या लोगों ने यह सोच रखा है यह बावर कर लिया ये यकीन कर लिया ये गुमान कर लिया है अतरा क्या उनको छोड़ दिया जाएगा यकुल अमन्ना आमन्ना कहने के बाद ईमान के बाद यूं ही छोड़ दिया जाएगा वह हमलायुफ्तनू और उनकी आजमाइशें नहीं होंगी ऐसी बात नहीं है बल्कि तारीख और कानून इलाही ये हैं तारीख हमें ये कहती है अल्लाह ने कहा कि हमने उनसे पहले वाले सबको आजमाया है आजमाइशें आना लाजमी है जरूरी है क्यों फलाम्ला तबर तला आजमाइशों के जरिए से निशानदेही कर दे बता दे जाहिर कर दे अल्लाह को तोहिर अल्ला कर दे अपने दावा ईमान में सच्चे हैं वालीन और कौन झूठा है दावा ईमान में कौन झूठा है और कौन सच्चा है इसको मालूम करने के लिए इसको इसकी पहचान और शनाखत कराने के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि आजमाइश होगी आजमाइश दीन व ईमान में जरूरी है और जब इंसान की आजमाइश दीनो ईमान की वजह से हो तो उसको दीन और ईमान बेजार नहीं होना चाहिए और बनना चाहिए। क्योंकि तो हैं। शैतान और शैतान के हथकंडे हैं, हैं।, हैं वो तो चाहते हैं कि इनको आजमाइशों में मुबतला कर दिया जाए ताकि ये दीन बेजार हो जाएं, और अल्लाह ये चाहता है कि मेरे बंदा और ज्यादा दीन पर डटे रहें जमे रहें तो उनको फायदा ही फायदा होगा अल्लाह ताला ने सुरफुस्सिलत में फरमाया इन अल्लादीन कालु अल्लाह थुम्म इस्तकामु यकीनन वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है थुम्म इस्तकामु फिर उसके बाद इस दावे ईमान में अल्लाह की रुबूबियत उलूहियत अस्मा और सिफात में तौहीद और ईमान में अकीदा और मनहज में इस्तेकामो साबित कदमी दिखा दिए डट गए, जम गए चाहे आजों के पहाड़ सामने खड़े हो जाए तूफान और आंधी चलने लग जाए नहीं करते हैं जुम्बिश नहीं आती है फरिश्ते नासिल होते हैं खुशखबरी देते हैं बशारत देते हैं अल्लाह तला तहसानो डरो मत खौफ ना खाओ वह अब शिर बिल जन्ना जन्नत के बदले खुश हो जाओ जिसका तुमसे वादा किया जाता था और आज भी हम तुम्हारे दोस्त हैं जिंदगी में भी आखिरत में भी दोस्त रहेंगे और आखरत में ये जन्नत है जहां पर तुम्हारे दिलों की हर ख्वाहिश पूरी होगी की तरफ से ये मेहमान नवाजी होगी अल्लाह अकबर आजमाइशों का आना जरूरी है जिंदगी है तो आजमाइश आएंगी और जिंदगी में ईमान की आजमाइश बहुत कठिन है और बहुत सख्त होता है और अल्लाह ताला ईमान के हिसाब से आजमाता है इसीलिए ईमान में सबसे ज्यादा मजबूत अंबिया है और अंबिया को सबसे ज्यादा आजमाया गया सही बुखारी कहती है अल अंबिया आजमाइशों में इब्तला में सबसे ज्यादा सख्त तरीके से जो आजमाया गया अम्बिया को अम्थल फल अम्थल। फिर ईमान में जो जितना मजबूत होगा उसकी उसी कदर आजमाइश होगी जो आजमाइशें हैं दो तरह की होती है दो तरह की होती है एक जिसको इब्तला और रफा कहा जाता है यानी इब्तला इम्तिहान अल्लाह ताला जांचना चाहता है मुकाम मरतबे को ऊंचा करना चाहता है किसी बंदे को अल्लाह ताला मुसीबत से दो चार करता है बीमार करता है परेशान परेशानियों में मुबतला करता है आजमाइशों से दो चार होता है बड़ा नेक इंसान बड़ा नेक इंसान मुतकी और परहेजगार इंसान इबादत गुजार इंसान अच्छे अखलाक और किरदार का हामिल है वो उसके बावजूद अल्लाह ताला उसको आजमाता है आजमाता है क्यों? ताकि उसके मुकाम को अल्लाह ऊंचा करे ऐसा नहीं कि हर परेशानी उसकी गुनाहों की वजह से आती है नहीं और एक आजमाइ जो गुनाहों की पादाश में सजा के तौर पर उसको इब्तला कहा जाता है इब्तला गजब कहा जाता है कि यह आजमाइश गजब की वजह से सजा की वजह से हो रही है सलफ सालिन का तरीका यह था जब अपने ऊपर आजमाइश और मुसीबतें आती तो वो सोचते शायद के मैंने कोई गुना किया है शायद मैंने कोई गुना किया है अल्लाह की तरफ से ये और और सजा है, तो अब करते और अपने अमाल का जायजा लेकर नेकी की तरफ रागिब होते और अगर दूसरों को देखते कि वो इबिला व आजमाइशों में दो चार हैं तो ये सोचते कि अल्लाह उसके मुकाम को ऊंचा कर रहा है आज हमारा मामला उल्टा है अपने ऊपर मुसीबत और आजमाइश आ जाए तो हम ये सोच लेते अपने तय ये यकीन कर लेते अल्लाह मुझे चाहता है अल्लाह मेरा ऊंचा मुकाम मुकाम ऊंचा कर रहा है और दूसरों पर आए तो सोचते हैं कोई गुना किया होगा गलत बात है सलफ उसके बरक सोचा करते थे इस तरह सोचेंगे तो आप अल्लाह की तरफ माइल होंगे हजरात ये आजमाइश क्या है आजमाइशों

उनको आजमाएं लि नब्लु वहुम अय्युहुम अहसनु अमला ताकि हम आजमाएं कि इनमें अमल के اعتبار से अच्छा कौन है तो दुनिया के ऊपर जो कुछ है ये सारी चीजें आजमाइश है जीनतल्लाहा लि नब्लु वहुम ताकि हम उनको आजमाएं दुनिया में क्या है ये दुनिया की चमक दमक दुनिया की रंगीनियां दुनिया के ऊपर के जो हालात तो और माहौल है चाहे वो मसाइब के हो अच्छाइयां हो बुराइयां हो रिश्तेदार और اقارب हो जो भी हो ये सब हमारे लिए आजमाइशें हैं चैलेंजेस हैं मुख्तसरा नहीं है कि हमारे दीन और ईमान के लिए आमाल के लिए अकीदा और manhaj के लिए जो चीज चैलेंज बन के खड़े हो जाएं, अमाल के लिए चैलेंज बन जाएं, अकीदे के लिए चैलेंज बन जाएं, ऐसे हालात जो दीन पर अमल करने के लिए चैलेंज बन जाएं, और ऐसी बातें ऐसी सिचुएशंस और ऐसी चीजें जो हमें दीन अल्लाह से दूर कर देने वाली बन जाएं, ऐसे चैलेंजेस गोया के हमारे लिए बहुत बड़ी आजमाइशें हैं और एक मोमिन का शेवा यही होता है कि वो इन चैलेंजेस का मुकाबला करके आगे बढ़ता है आगे बढ़ता है और वही कामयाब होता है वही मोमिन कामयाब होता है, आजमाइशों में हमें क्या करना चाहिए यह असल मौजू है जैसे कि आप जानते हैं और इसको समझने के लिए हमें चाहिए कि हम आजमाइशों की जो शक्लें हैं किस्में हैं उनको समझें तो बहुत सारी किस्में हैं खुलासे के तौर पर मैंने तीन अल्फाज को चुना है और इन तीन बातों में तीन अकसाम में सारी बातें आ जाती हैं। एक हमारी सारी जिंदगी आजमाइश है जिंदगी आजमाइश है अल्लाह तबरक ताला ने मुल्क में फरमायातल अल्लाह जिसने मौत और हयात को बनाया है क्यों ताकि आजमाए जिंदगी सारी की सारी आजमाइश है जिंदगी के जो हालतें हैं ये सब आजमाइश हैं रिश्तेदार और ये एक दूसरे के लिए आजमाइश है अल्लाह ने फुरान में फरमाया वजअलना फरमायाबादिन फितना तुम में से बाज को बाज के लिए हमने फितने का जरिया बनाया क्या तुम सबर करोगे हर एक दूसरे के लिए आजमाइश और फितने का जरिया है बाप बेटे के लिए बेटा बाप के लिए शोहर बीवी के लिए बीवी शोहर के लिए दोस्त दोस्त के लिए पड़ोसी पड़ोसी के लिए भाई बहन के लिए बहन भाई के लिए उस्ताद शागिर्द के लिए शागिर्द उदाद के लिए हाकिम महकुम के लिए महकुम हाकिम के लिए मालदार गरीब के लिए गरीब मालदार के लिए हर एक गोया के यहाँ तक के हमारी तबीयतें हमारी आदतें हमारी खसलतें हमारे लिए आजमाइशें हैं कोई बीमार है उसके लिए आजमाइश है कोई गुस्से वाला है उसके लिए आजमाइश है कोई आदमी मालदार है तो मालदारी उसके लिए आजमाइश है ओहदेदार है ओहदा उसके लिए आजमाइश है कोई अच्छी हालत में वो भी आजमाइश है बुरी हालत में है ये भी आजमाइश है और ये दो जिंदगी के ऊंच नीच है अल्लाह ने इसके बारे में भी कहा कि भी आजमाइश है अल्लाह ताला ने कुरान ने मजीद में फरमाया सूरत के आखिर में अल्लाह तला ने फरमाया और, और हमने अल्लाह तला ने तुम में से बाज को बाज के ऊपर जो फोकियत दी है क्यों ताकि लिया अब तुम्हें आजमाए अल्लाह ये आजमाइश है ये गरीब अपनी जगह पर गरीब भी है मालदार के लिए आजमाइश भी है एक मालदार गरीब के लिए आजमाइश है एक बीमार तंदुरुस्त के लिए आजमाइश है तंदुरुस्त बीमार के लिए आजमाइश है अल्लाह ये देखना चाहता है कि एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखता है या नहीं है अपनी हदीस सुनी है ना कि मैं बीमार था क्या तूने यादत की मैं भूखा था क्या तूने खिलाया क्या मतलब है अल्लाह ताला इस मालदार की आजमाइश इस गरीब में रखी है गरीब की आजमाइश मालदार में रखी है बीमार की तहसन तंदुरुस्त में रखी है एक दूसरे के हकूक की अदायगी करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें अच्छी हालत वाले और सबर करें बुरी हालत वाले हजरात ये सारी जिंदगी आजमाइश है जिंदगी दर्द मुसलसल के सिवा कुछ भी नहीं शायर की जबानी जिंदगी दर्द मुसलसल के सिवा कुछ भी नहीं दर्द भी वो दर्द है जिसकी दवा कुछ भी नहीं ये शायर की जबानी है लेकिन शरीयत ने इसकी दवा बताई है कुरान और हदीस में इसका सोल्यूशन मौजूद है शायर कहता कि कोई दवा नहीं कोई दवा नहीं है लेकिन इस्लाम में शरीय में दवा है क्या दवा है आइए मैं आपके सामने अर्ज करता हूं और मौजूदा हालात में ये जो टॉपिक है बहुत मुनासिब है अल्लाह जजाय खैर दे बेंगलुरु के सारे और, मुसलिकीन को और इसी तरह से जो लोग सुन रहे हैं सुना रहे हैं सबको अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे आज का दौर पुरफितन दौर है आजमाइशों का दौर है हर तरफ आजमाइशो आज़माइश है घर के अंदर के बाहर तजारत कारोबार में और तालीम गाहों में इबादत गाहों में हर जगह देखो हर जगह आजमाइश आजमाइश परेशान है सारी दुनिया सुकून नहीं है सुकून के भिकारी और मुतलाशी है आज की दुनिया ऐसे में आइए हम मालूम करते हैं इस्लाम क्या कहता है कि हम आजमाइशों में क्या करें आजमाइशों में मोमिन का किरदार क्या होना चाहिए हजरात याद रखें जिंदगी में जो आजमाइशें आती है जिंदगी में जो आजमाइश आती है ये सारी जिंदगी हमारी आजमाइश है तो किन किन शक्लों में आती आजमाइश मुख्तसर ये याद रखें शर और खैर दोनों तरह से अल्लाह की आजमाइशें होती है अल्लाह कभी नवाज के आजमाता है कभी महरूम करके आजमाता है अल्लाह कभी इनायत करके आजमाता है दे के आजमाता है कभी छीन के ले के आजमाता है दोनों तरह से अल्लाह की आजमाइश होती है याद रखे जिसको दिया वो भी आजमाइश में मुब्तला है जिससे लिया नहीं दिया उसके लिए भी आजमाइश है कभी औलाद ना दे के आजमाता है किसी को अल्लाह तला औलाद दे के आजमाता है अल्लाह किसी को दे के फिर महरूम करके छीन के लेके आजमाता है ये अल्लाह की हैं, वो हकीम है, हिकमत उसको पता है। वो खबीर है खबर उसको मालूम है वो इल्म है अलीम है उसको इल्म है कि अल्लाह तला को हर चीज की का इल्म और चीज के बारे में पता है खैर और शर दोनों तरह से आजमाइश होती है अल्लाह ने सुरामबिया आयत नंबर 35 में फरमाया व नब्ल्लुकुम बिल शर वल खैर फितना हम तुम्हारी आजमाइश करते हैं शर और खैर दोनों जरिए से दोनों जरिए से तुम्हारी आजमाइश होती है अब क्या करना है देखो मुख्तसरन याद रखो और बार-बार ये बात आएगी सही मुस्लिम की हदीस है नबी ने उसका इलाज बताया क्या करना नबी ने बताया नबी ने फरमाया अजाबन मोमिन मोमिन की अजीब शान होती है मोमिन अच्छी हालत में अल्लाह ताला का शुक्र करता है उसके लिए खैर है का और इसी तरह से वो अगर परेशानी में आजमाइशों से दो चार हो जाता है खैर है, है। शुक्र और सबर ये दोनों रास्ते को आजमा लो ये दोनों इन दोनों अवसाफ को आजमा लिया करो कामयाब हो जाओगे शुक्र और सबर यही गोया कि आजमाइशों के लिए बेहतरीन हथियार हैं, बेहतरीन हथियार हैं शुक्र और सबर अच्छी हालत के जरिए अल्लाह आजमाए तो शुक्र करो बुरी हालतों से अल्लाह ताला तजमाएं सबर किया करो और मेरे भाई को याद रखना ये जो आजमाइशें हैं शर और खैर की आजमाइशें, सारी आजमाइशें इन दो रास्तों से ही आती हैं तो आइए अब मैं आपको सबसे पहले शर की आजमाइश बताऊं फिर खैर की आजमाइश की तरफ जाऊंगा शर की आजमाइे पता है कि इंसान मुख्तलिफ तरह के परेशानियों में मुबतला होता है अल्लाह तला ने कुरान मजीद सुरतलबार में अंदाज में बयान फरमाया कि ये जो शर की आजमाइशें हैं क्या क्या है अल्लाह ने फरमाया, फरमायाबल हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे चंद चीजों के जरिए से वो चीज़ें क्या क्या है मिनल खौफ कभी खौफ वरास का माहौल होगा आज देखो हुकूमतों का खौफ है मुख्तलिफ तरह के काले कानून का खौफ है और इसी तरह से गुंडों का खौफ है दरिंदों का खौफ है खौफ का एक माहौल है हरासाई का एक माहौल है ये भी एक आजमाइश है मिनल खौफ और जो भूख के जरिए से तुम्हारी आजमाइश होगी कभी फल फ्रूट्स कम करके और इसी तरह से भुख परेशानी और अल्लाह खैर करे जो लेटेस्ट रिपोर्ट है सर्वे हैं हमारा मुल्क भुखमारी की तरफ जा रहा है और कई एक कई एक भुखमारी के शिकार मुल्कों से आगे बढ़ते जा रहा है अल्लाह हिफाजत फरमाए अल्लाह हिफाजत फरमाए ये हालत आजमाइश है वह नाकसिम मिनल अमवाल माल घटाकर माल एक आजमाइश है कुरान में अल्लाह ताला ने बार रहा कहा इन्नमा अमवालुकुम वाउलादुकुम फितना माल तुम्हारे लिए आजमाइश है और नबी ने फरमाया हदीस में लिकुल उम्मत इन फितना व फितना तो उम्मती माल हर उम्मत का एक खास फितना है मेरी उम्मत का फितना माल है माल अल्लाह देकर आजमाता है कि बंदा क्या करता है और हिर में मुबतला होता है सही तरीके से काम करता कि नहीं करता है हलाल रास्ते पे चलता कि नहीं चलता है अल्लाह कभी छीन के आजमाता है ले के आजमाता है महरूम करके आजमाता है कि बंदा क्या करता है गलत राहों में जाता अल्लाह की तरफ आता है गलत और हराम रास्तों का एक, को इख्तियार करता या अल्लाह के रास्ते में रहकर कर सबर करता है तहमुल और बर्दाश्त से काम लेता है हजरत इसी तरह से कहा वल अनफुस और अल्लाह की आजमाइश होती है नफ्सों को घटाकर जान को घटाकर कभी अल्लाह ताला रिश्तेदारों अकारिब को अपने अजीजों को अल्लाह ताला छीन लेता है वफात दे देता है वक्त से पहले ही अल्लाह ताला ले लेता है अल्लाह की मर्जी है अल्लाह ने पैदाइश से पहले ही मौत के बारे में पता दिया तय कर दिया है लिहाज अल्लाह की मर्जी है हमें चाहिए कि उससे राजीबा रजा रहें तो याद रखना ऐसे हालातों में भी, भी हम खुश रहेंगे मुस्कुराएंगे अल्लाह आजमाता है रिश्तेदार वारिब को देकर भी और लेकर भी अल्लाह की आजमाइशें होती है वह समात फल फ्रूट्स को कम करके अल्लाह आजमाता है पैदावार घट गया पैदावार घट गई है और इसी तरह से याद रखिए कि फसलें कम हो गई हैं काशकार परेशान है किसान खुदकुशियां कर रहे हैं परेशान हाल है ये सब आजमाइशें हैं आजमाइशे हैं साबरीन ऐसी आजमाइशों में सबर करने वालों को खुशखबरी सुना दो सबर ही असल कलीद है यही असल गोया के हथियार हैं जब मुसीबत आती है तो क्या कहता है दीना इदा मुसीबा मुसीबत हम अल्लाह के लिए हमारी हर चीज अल्लाह के लिए जो अल्लाह दिया वो भी अल्लाह की है जो अल्लाह ले लिया वो भी अल्लाह की चीजें हैं हर दी हुई चीज अल्लाह की ली हुई चीज भी अल्लाह की है

मेरा नहीं है क्या हमने खरीद के लाया अल्लाह से क्या हमने लिखा पड़ी करके लाया हमने रजिस्टर करके लाया कहीं सेल डीड है रजिस्टर डीड है नहीं तो याद रखना ये अल्लाह की अमानत है अल्लाह को लौटाना है मेरी मर्जी नहीं बल्कि अल्लाह की मर्जी चलेगी जिंदगी में अल्लाह की मर्जी चलेगी तो ही कामयाब हो सकते हैं मेरी मर्जी हुई गुम रब की मर्जी में तो याद रखिए ऐसा अगर हो तो मौत में भी आप मुस्कुराएंगे तकलीफों में भी आप मुस्कुराएंगे क्यों ये बिलाल हबीशी देखो अल्लाह अकबर मौत के वक्त में मुस्कुरा रहे हैं क्यों ईमान जो था अकीदा जो था और अल्लाह पर भरोसा और तवक्ल जो था हजरत ग्रामीण ये अल्लाह की आज़माइशें हैं अल्लाह इन जरियो से इन शर के जरिए से अल्लाह तजमाता है आलो ओलाद के जरिए से बीवी बच्चों के जरिए से और इसी तरह से याद रखना मेरे भाइयों, आजमाइश इंसान की होती नबी ने आदि फरमाया फित्रजुल आहल वह माल उसके माल में वह नफसी उसके जात में भी कोई गुस्से वाला है उसके लिए आजमाइश है कमजोर है उसके लिए आजमाइश है ताकतवर वो भी उसके लिए आजमाइश है और कोई बीमार है उसके लिए आजमाइश है तंदुरुस्त भी उसके लिए आजमाइश है वो वालदी औलाद के लिए आजमाइश है वो जारी पड़ोस भी आजमाइश हर एक दूसरे के लिए वह जालना बाद अकमली बान फितना तो में से बाज़ को हमने बाज के लिए आजमाइश का जरिया बनाया कुफर ये भी आजमाइश है विदा तो ये भी आजमाइश है जुल्म आजमाइश है बेहयाई या बेपर्दगी आजमाइश है हराम खोरी चोरी डकेती ये आजमाइश है खून खराबा आजमाइश है नाफरमानिया आजमाइश है हुकूक लकूक इबाद में कोताही आजमाइश है यह खुलासा है और इसी को मैंने शुरू में कहा था कि तीन अल्फाज एक जिंदगी आजमाइश नंबर दो शहवात तरह मुख्तलि तमन्नाएं ख्वाहिशें हजार खाईशे इसी के हर ख्वाहिश में दम निकले बहुत निकले मेरे आरमा फिर भी कम निकले ये जो दिल है ना जिसको कंट्रोल करो खा है मन खाबा मन दस्सा, ये दिल हमारा नफ्स चाहेगा ये वो वो हो ये चाहिए वो चाहिए लेकिन याद रखो इस्लाम ये कहता है ख्वाहिशात को लगाम दो कुछ लो नहीं इस्लाम ये कहता है कि हाँ ख्वाहिशात हैं

कमाया भी करो अल्लाह के लिए कुछ खर्च भी किया करो ये इस्लाम है ये इस्लाम है ऐसा नहीं कि एक तरफा जाए तो फितरे में मुबतला है फितरे में मुबतला है याद रखना मेरे भाइयों, इस्लाम ये कहता है आरजू और तमन्नाओं को सही रुक दो हलाल रास्ते पे पूरा करो हराम से बच जाओ मन मानी जिंदगी नहीं रब शाही और रब चाही जिंदगी गुजारा करो तो कामयाब हो जाएंगे मनजक्का जिसने इसको पाक किया वो कामयाब और जिसने नफ्स की हर बात सुन ली वह नाकामा ना मुराद हो गया यही मुख्तलिफ शाहबात मुख्तलि का जो फितना है और शुबात के जरिए से कुफ़र, कुराफा और ख़ुराफ़ात और गलत राहों में इंसान पड़ जाता है इस्लाम की तारीम है कि हमें आफियत मांगना चाहिए आजमाइश नहीं मांगना चाहिए आफियत ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत है आफियत ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत है आफियत आफियत मांगो अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि आफिया अल्लाह से आफियत मांगो अल्लाह के रसूल ने कई दुआओं में सिखाया आफियत अल्लाह मैं इन्नी अस्अलुका अल अफ़ वल आफिया लेकिन अगर उसके बावजूद भी अल्लाह की मर्जी हुई और हम आजमाइशों से दो चार हो गए तो हमें क्या करना चाहिए मजीद और भी के हो। क्या करना चाहिए सबसे पहले हमें जो काम करना है हमने इससे पहले मालूम किया सबर और शुक्र और दूसरा अहम काम यह करना है ईमान और अकीदा ईमान और अमल के साथ अकीदे के साथ आगे बढ़ेंगे क्योंकि ईमान में अमन है ईमान अमन से है अल्लाह ने सुरा नाम में फरमाया वल्लिना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुलम वो लोग जो ईमान लाए ईमान के साथ शिर्क को नहीं मिलाए उलाइक लहूमुल आमन ऐसे लोगों के लिए अमन है और याद रखिए ईमान उम्मीद का नाम है ईमानदार मोमिन कभी हालात चाहे कितने परेशान क्यों ना हो जाएं वो परेशान नहीं होता ना उम्मीद नहीं होता मायूस होने वाला काफिर बन जाता है अल्लाह ने फरमाया इल्ला इल्ला अल्ला की रहमतों से मायूस होने वाला तो काफिर है सलाम। देखो, साल भी छड़ गए फिर भी कहा कि अल्लाह से नाउमीदी नहीं जाओ जाओ ढूंढो तलाश करो उम्मीद उम्मीद रखा करो ईमान में बड़ी ताकत और कु्वत है ईमान में बड़ी ताकत और कु्वत है खौफ का माहौल है आज हरासाई का माहौल है आज आज हुकूमत नहीं है आज दीन कमजोर है सब आपको मिल सकता है अल्लाह ने सुरा नूर आयत नंबर पचपन में फरमाया तीन वादे किए अच्छे अच्छे वादे वाद ताला का वादा है ईमान और अमल करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें हुकूमत देगा तुम्हारे दीन को नंबर दो दीन को मजबूत कर देगा तुम्हारे ऊपर जो खौफ का माहौल है खौफ के माहौल को अल्लाह ताला, ताला बदला के अमल लेकर आएगा ईमान 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 और याद रखिए तौहीद इसी में ताक़त है इसी में ताकत है अल्लाह ताला ने इब्राहिम में फरमाया, भी और आखिरत में भी कौल साबित के साबित क्या है कलीम हमने रब को तस्लीम किया है रब माना हमारा रबालिम नहीं है हमारा रब रहमान रहीम है वो हमें बेरो मददगार नहीं छोड़ेगा और रब देख रहा है वो रब निकोकारों डिफेंस निको करता, करता है दिफा के देखो कितने सारे वाकयात है मोमिन अकेला होता है कोई नहीं है मोमिन की लाश की भी अल्लाह हिफाजत करता है मोमिन जिंदा हो उसकी अल्लाह ताला लाज रखेगा हिफाजत करेगा याद रखिए मेरे भाइयों हमें चाहिए कि पहला काम क्या करना है ईमानदार बनना शिर तो खुराफा से दूर रहना है और हमें नबी के मुतबी बनना है सुन्नत रसूल के पैरोकार बनना है और व तकदीर उसकी अच्छी और बुरी तकदीर दोनों पर ही हम ईमान लाए हैं इस पे इंसान मुतमिन रहता अल्लाह तेरी मर्जी मैं इसी पे खुश हूं तेरे फैसले पर राजी ब हूं तभी इंसान खुश रहेगा और आजमाइशों में परेशान नहीं होगा दूसरा काम जो हमें करना है सबर मैंने इससे पहले भी अर्ज किया है कि सबर में कामयाबी है क्या इन नफरबी सबर नबी ने हदीस में फरमाया इन सबर दिया का सबर रोशनी है और श्री सबरीन सवाब दिया जाता है आप सब्र जानते हैं बीमारी में अल्लाह ने क्या बेहतरीन ऊंचा मुकाम ने दिया। आरवी स्वादी। के सबर देखो नबी ने क्या फरमाया जब गम तुम्हें सताए परेशान करें हद से बाहर हो जाएं आजमाइशों से दो चार हो जाओ मेरी सीरत और मरीन मेरी वफात को याद कर लेना नबी को देखो शुरू से लेकर आखिर तक

आजमाइशों में परेशानियों में तकलीफों में इबादत के और इतात के जरिए अल्लाह की हिफाजत में आना है इतात और इबादत के जरिए अल्लाह की हिफाजत में आना है आज जो मुल्क का हाल है आलमी मंजर नामा है मुसलमान परेशान हाल है मक्के के जैसे हालात हैं तो आइए मैं आपको ही बात बताऊं मक्के में जब हालात बहुत परेशान कुन हो गए और नबी को आए दिन तरह के से रहे थे, और कुकीन परेशान कर रहे थे हर तरह की अदावतें दुश्मनिया नफरतें मुखालफते शुरू हो गई थी ऐसे वक्त में आप बड़े परेशान रहते थे तो अल्लाह के अल्लाह ताला ने नबी को तसल्ली देते हुए जो काम कहा मैं आपको भी तसली देते हुए वही काम करने की दरख्वास कर रहा हूँ यही इज्तमाही कौम की इजमाई आजमायशो का और इनफरादी आजमायशो का हल और सोलूशन है अल्लाह ने आखिरी तीन चार आयतों में फरमायाबी हम जानते हैं कि आपका सीना घुट रहा है आपको कोफ्त और तकलीफ हो रही है ये कुफार मुश्किन जो कह रहे हैं इसकी वजह से लेकिन आप इनकी परवाह ना करो सबर करो छोड़ो जवाब ना दो हर वक्त बोलना नहीं बोल के इंसान फंसता है हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं है खामोश रहे की तस्वीर और तहमीद करो अस्कार करो सबर करो। सजदे करने वालों में से बन जाओ यानी कसरत से इबादत और बंदगी करने वाले हो जाओ वाह बुद रब का और अल्लाह की इबादत करते रहो मौत आने तक ये देखो सलूशन है आज के हालात में इबादत करो इबादात करो अल्लाह की इताद के जरिए अल्लाह की हिफाजत में आओ अल्लाह के सिवा कोई हमारा आपका हामि नासिर मददगारोकार कारसाज नहीं है हजरात अगर हम सबर करेंगे

दूसरी जगह पर अल्लाह ने में ही, इनके मकरो नुकसान नहीं सबर करो बर्दाश्त करो अपने आप को कंट्रोल में रखो आए दिन देखो, कोई इस्लाम के खिलाफ बोलता कोई नबी के खिलाफ कार्टून बनाता कोई कमेंट करता कोई कुछ कहता कोई मुसलमानों के मस्जिदों पर आजकल तो मदारिस के बारे में फितने शुरू हो चुके हैं कोई किसी की दाढ़ी पे कॉमेंट करता है बुरका और निकाब पे करता है सबर करो और कानून के जरिए से आगे बढ़ो अपना हक हासिल करने की कोशिश करो कानून को हाथ में लेना नहीं बल्कि कानून के जरिए से आगे बढ़ना है आगे बढ़ना है अपने हकूक हासिल करने की कोशिश करना है नबी ने भी फरमाया फितने का जिक्र करके बिल आमाली फितनन, फितने से पहले नेकमाल कर लिया करो और ना हालात कभी ऐसे हो जाएंगे अमल करना चाहे तो भी कर नहीं पाओगे इसलिए के के वक्त वक्त गनीमत जानो और अगर फितने के वक्त में मुसीबतों के वक्त में इबादत करोगे नबी ने फरमाया अल इबादतों फिर हरज हरज और मुसीबत के वक्त में आजमाइशों में इबादत करना का हिजरत इन इलाइया मेरी तरफ हिजरत के बराबर का सवाब है मुसीबतों के वक्त में आजमाइशों में इबादत करना नबी ने फरमाया शही, पचास शहीद के बराबर मिलेगा। ने से यहां की कसरत म, मकसूद है ना कि मुकाम के मुकाम को कोई पहुंच नहीं सकता है लेकिन याद रखें साहबा के अजर सवाब को पाना चाहते हो आजमाइशों में इबादत करो इतात किया करो अल्लाह अकबर नबी ने क्या फरमाया आजमाइशों में दिन पे जमे रहना डटे रहना ऐसा है जैसे अंगेठी को हाथ में रखने के बराबर है आग पे बैठने के बराबर है आज देखो हालात ऐसे ही है क्या हालात हैं अल्लाह अकबर आज चैलेंजेस हैं एक नौजवान कॉलेजों में स्कूलों में जाना यूनिवर्सिटी में पढ़कर अपने और ईमान पर रहना आग पर खेलने आग से खेलने के बराबर है तजारत कारोबार में हराम से बचकर आगे बढ़ना आज बहुत बड़ा चैलेंज है आज कोई इंसान बाहर जाए गुना किए बगैर या गुना के मंजर देखे बगैर वापस आए बहुत बड़ा चैलेंज है दिन पे रहना आज ऐसे मुश्किल है और अगर हम रहें तो अल्लाह की हिफाजत में आएंगे हदीसे वो वली हदीसे वली बाय बुखारी की रिवायत है नबी ने फरमाया अल्लाह ताला कहता है हदीसे खुदसी कि मेरे कुछ वली हैं मन आदली वलीन फकद आदम तो बिल حرب जो मेरे वलियों से दुश्मनी करता है मैं उनसे जंग का ऐलान करता हूँ मैं आपको दावत देता हूं अल्लाह के वली बन जाओ

जो मेरे वली बनते हैं ईमानदे मनाज और तकवे के बाद फराइज के जरिए से वो क्या करते हैं मेरी मोहब्बत हासिल करते हैं नवाफिल के जरिए से मेरीबत हासिल करते हैं और जब मैं वो मेरे करीब हो जाते उनका दोस्त बन जाता हूँ उनकी हिफाजत करता हूँ उनके हाथ बन जाता हूं पैर बन जाता हूँ आँख कान बन जाता हूँ मतलब उनके हाथ पैर आँख कान की हिफाजत करता हूँ और वो मेरी खास इनायत में लुत्फ कर्म में होते हैं और मैं इसे लोगों की खास हिफाजत करके की नेकी की तोफीक देता हूँ लिहाजा आज मेरे भाइयों बहुत जरूरी एक काम ओली बने और मोमिन मुतकी ओली बनता है अल्लाह की हिफाजत में आओगे और इन आजमाइश और चैलेंजेस का मुकाबला आप कर सकते हो आजमाइशों में हमें क्या करना चाहिए आजमाइशों में एक काम हमें यह करना है कि दावत तो तबलीग दावत तो तबलीग दीन के दावत तो तबलीग करो मक्के में जैसे दावत तो तब्लीग की है ना आप भी ऐसे सबर के साथ तहमुल के साथ आज दावत तो दातली करना है हर हर जगह पर ताकत कुव्वत का मुजाहरा करना मुनासिब नहीं होता है अल्लाह ने कुरान मजीद सुरतुलमादा में फरमाया या, या रसूल

तो कब फिर अमरबिल मरूफ और नहीं आजमाइे इन चीजों में है अमरबिल मरूफ नहीं अनिल मुनकर के जरिए से हम आजमाइशों से उभर सकते हैं एक और काम खदमत खलक सोशल वर्क सोशल वर्क करोगे तो अल्लाह तला तुम्हें आजमाइशों से

हिकमत और मुआजत हसानत के जरिए अच्छे तरीके से लोगों को बुलाओ दुश्मनियां खत्म होगी और खिदमत खल्क करो सोशल वर्क किया करो दुश्मनियां खत्म होगी कैसे मैं आपको मिसाल देता हूं हजरत अबू बकर आजमाइशों से परेशान होके मक्का छोड़ के जा रहे थे इब्न दुगन्ना ने कहा कि नहीं मिस्र का या बो बकर लाया यखरुज वाला यु आप जैसे हस्ती या मदीने से ना मक्के से ना निकल सकते ना कोई निकाल सकता है चलो मैं आपको अमान देता हूं अमान देता हूं काफिर आपके लिए आएंगे आपके दुश्मन आपके लिए खड़े होंगे क्यों अबू बकर और घबरा के खदीजा के पास आए खदीजा ने क्या कहा अल्लाह आपको जाये नहीं करेगा क्यों आप सोशल वर्क करते हैं आप खिदमत खल्क किया करते हैं अबू बकर के अंदर भी वही बातें थी और आज देखो इससे पहले चेन्नई में जो सैलाब आया मुसलमानों ने इसे खिदमत किए अल्लाह अकबर गैर मुस्लिम मुतासर हुए हुकूमत के कारिंदे नहीं किए जो मुसलमानों ने किए हैं और आज के लेटेस्ट अपडेट में आपको बता देता हूँ दो तीन दिन पुरानी खबर है कि गैर मुस्लिम का बयान है हमें फख्र है कि यहाँ मुसलमान है हमारे मुल्क में हमारे इंडिया में मुसलमान है क्योंकि कोरोना में हमने जो एन जी ओ चलाए खिदमत खल्क किए एट्टी फाइव परसेंट डोनेशन जो मिला वो मुसलमानों से मिला अल्लाह अकबर याद रखो सदका तो खैरात के जरिए अल्लाह का गैज कम होता है नबी ने फरमाया सनाई المعروف, तकी अच्छे काम करने से, बुरी से और आजमाइशों से बच जाओगे और बीमार का इलाज नबी ने फरमाया। दाव बिस सदका। अपने मरीजों का इलाज तो से किया करो और आखिरी बात हमें क्या करना है दुआ तो बस्तार दुआ हर कठिन मौके पर साहबा ने अंबिया ने दुआ को हथियार बनाया दुआ कसरत से करें दुआ मुमिन के हथियार हैं हर कमजोर वक्त में परेशानियों में नबी ने साहबा ने सलफ ने दुआ को हथियार बनाया बड़ी बड़ी ताकतों को अल्लाह ने दुआ के जरिए से फाश दे दिया है और तो बस्तक के बड़े फवाद हैं और आखिर में मैं आपको यह बताऊं ये जो फितना है खैर का वो भी का फितना मैंने बताया खैर का फितना भी होता है और ये बड़ा अहम है शर का फितना लोगों को समझ में आता है लेकिन खैर का फितना लोगों को समझ में नहीं आता है अल्लाह ने अच्छी हालत दी अच्छा रखा है ये भी फितना है और गुनाह के बावजूद भी अल्लाह ताला नवाज रहा है तो याद रखना यह बहुत बड़ा फितना है अल्लाह के आजाब में मुबतला हो गया है अल्लाह ने सुरारा में फरमाया फलमा दुखी so जब उन्होंने फरामोश कर दिया फतः मकुल दरवाजे हमने खोल दिए हर चीज के दरवाजे खोल दिए हत्ता इधा फरी हो यहां तक के जब वो खुश हो गए मगन हो गए बगता, अचानक गिरफ्त कर लिया अच्छी हालतों में अल्लाह से डरे नाफरमानी के बावजूद भी अच्छी हालत है और डरना चाहिए और डरना चाहिए वरना अल्लाह के अजाब में हम दो चार हो जाएंगे क्योंकि बुरी हालतों के फितने में आजमाइशों में हमें समझ में आता है अल्लाह की तरफ लौटना लेकिन अच्छी में में हम अल्लाह को भुला देते हैं आखिर मैं आपको नबी हदीस बताकर खत्म करूं उकबा बिन आमिर नबी से पूछा कि अल्लाह के रसूल मन नजात या मा नजात मोमिन की नजात किस में है आजमाइशों में परेशानी में हर चीज में तो नबी ने फरमाया तीन बातों में है अलैका लिसानक अपनी जबान को कंट्रोल में रखो खामा खामे बोलना नहीं हर चीज का जवाब नहीं देना ये मीडिया का जमाना फितने का दौर है हर चीज में बोले तो फंस जाएंगे जबान को कंट्रोल करो वलिया सबाई तो और घर उसके लिए काफी हो घर में रहा करो खामा खामे बाहर मत जाओ नबी ने क्या फरमाया आखिरी जमाने में जब फितने होंगे आजमाइशों का दौर होगा घर में बैठने वाला अफजल होगा चलने वाले के मुकाबले में और कहा कि जो आदमी झांक के देखना चाहेगा चलो क्या है फितना देख लेते फितने में मुबतला हो जाएगा इसलिए घर में रहा करो हर फितने को तुम आजमाने की कोशिश मत करो और याद रखना मेरे भाइयों ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए ओलामा से जुड़े रहना और नबी ने आखिर में फरमा अब किया अपने गुनाहों पर रो गुनाहों का जायजा लो और उलामा रब्बानी से जुड़े रहो उलामा से जुड़े रहोगे तो याद रखो इल्म के जरिए से शक और शुबात का खातिमा होता है सबर और तहमुल के जरिए शहवात का खातिमा होता है और सबर के जरिए से जिंदगी की आजमाइशों का मुकाबला कर सकते हैं अपने गुनाह का जायजा लेंगे तो अल्लाह ने ही फरमाया कि जब हमने उनको आजमाया जब उनके पास हमारी आजमाइश आई अल्लाह मेंदर क्यों उन लोगों ने आओ जारी नहीं कि अल्लाह की तरफ क्यों नहीं पलटे इसलिए मेरे भाइयों आखिर में आपसे आपको ये गुजारिश करते हुए खुलासा के तौर पर यह बात बताना चाहूंगा खुलासा कला में ही हुआ आजमाइश जिंदगी में आना लाजिमी है आजमायश वो हैं जो हमारे ईमान वमाल के लिए चैलेंजेस बन जाए और ये शर और खै दोनों रास्ते से आते हैं दोनों शक्लों से हैं और ये जिंदगी शहवात और शुभात के जरिए से हैं नफसानी ख्वाहिशा के जरिए से हैं एक दूसरे के मुकाबला आरई के जरिए से हैं इनका खात्मा क्या किसे हो सकता सबर शिक्र ईमान तकवा परहेजगारी अपने गुनाहों का जायजा तो बस्तग दावत तबलीग खिदमत खल्क और दुआ अपनी जबान को कंट्रोल करना और उलामा ये रब्बानी के साथ जुड़े रहना एक्चुअल के साथ तो इन श्ला तबरक यहाँ और आपको इन फितनों से बचाएगा तो फितनों से कैसे हम निमटे मोमिन का किरदार क्या हो कैसे करें मैंने आपके सामने मुख्तसर वक्त में जहाँ तक हो सके जाम अंदाज में और जो है मुख्तसर अंदाज में बयान करने की कोशिश किया अल्लाह तला से दुआ है कि अल्लाह तबरक ताल हमें और आपको कहने से सुनने से ज्यादा अमल की तोफ़ी कदा फरमाए हिल आलमीन जो लोग जिस तरह से परेशान हाल हैं उनके परेशानी से उनको परेशानियों से उनको नजात दें और सारे लोगों को जजाय ख़ैर दें और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखें अल्लाह सलामत रखे आफ़ियत के साथ रखें दुनिया और आखिरत में कामयाब करें आमीन व आखर दबानदिल् रबालमीन अलम्कम वरहल वर्क